हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पाइथन की वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट क्या होता है, उसमें कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आप इंडेक्स की हेल्प से तो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास लिस्ट में 100 एलिमेंट है या 1000 एलिमेंट है, ठीक है, 100 है, 1000 है, उस वक्त क्या करोगे? आप इंडेक्स ऐसे लिखते रहोगे? नहीं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर लूप यूज कर सकते हैं या व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक मैं नया फाइल बनाता हूँ एंड एक लिस्ट बनाते हैं नम नाम का, ठीक है, एंड उसमें हम नंबर स्टोर करते हैं। तो नम हमारा हो गया लिस्ट का नाम, इक्वल टू दिया, लिस्ट बनाना था हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, उसके बाद हमें इसमें एलिमेंट स्टोर करना होगा। तो लेट सपोज मैं एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ सबको कॉमा से सेपरेट करते हुए, ठीक है, एंड मैंने 10 एलिमेंट को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करना है, अगर मैं ऐसे करूँ प्रिंट नम, तो प्रिंट अगर नम करूंगा तो इससे क्या होगा कि ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं एक एक करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लेकिन आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। पाइथन एंड kc30.py, तो देखिए एज इट इज जैसा ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आपको साथ में आ रहा है, एलिमेंट भी तो आ ही रहा है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रहा है। चलिए उसको तो हम अलग अलग करके प्रिंट कर लेंगे। लेकिन एक और चीज होता है, एक फंक्शन होता है len नाम का, len, ठीक है। len का क्या काम है, लेंथ फाइंड आउट करने का। लेंथ किसका हमें फाइंड आउट करना है, नम का। नम हमारा क्या लिस्ट है एंड मुझे फाइंड आउट करना है कि नम का लेंथ कितना है। लम लेंथ का मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 10। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। तो अगर प्रिंट करना है तो हम मुझे क्या करना होगा, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना होगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन को मैंने इसको अंदर लिखा एंड इसको मैं अगर रन करूँ तो देखिए 10 आ गया, ठीक है। तो लेंथ का क्या यूज है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइंड आउट करने का। हाँ, इंडेक्स इसका 0 to 9 होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो वो 9 तक जाएगा, लेकिन लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेगा। तो लेंथ ऑलवेज इंडेक्स से एक ज्यादा होता है, ठीक है, ये तो हो गया ये एक बात। अब हमें क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ इसकी, या कमेंट करके रहने देता हूँ। अगर मुझे इसको फोर लूप की हेल्प से अगर प्रिंट करना है, फोर लूप की हेल्प से, जो कितना आसान है फोर लूप की हेल्प से, फोर लिखना है, एक्स लिखना है या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, इन फोर इन नम, ठीक है, फोर इन नम लिखेंगे। मैंने फोर लूप कैसे काम करता है मैं पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ, तो आप फोर लूप अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हो, उसमें फोर इन नम लिखेंगे, फोर एक्स इन नम, एंड यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एक्स, एंड बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। देखिए सारा वैल्यू को आप प्रिंट करते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कैसे काम करता है आपको पता है, फोर लूप क्या करेगा, यहाँ पर नम लिखे हैं, नम लिखे हैं, इट मीन्स यहां पर ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे एज इट इज आ गया, ठीक है। नम का मतलब ये पूरा यहां पर रखा हुआ, और एक्स इन नम का मतलब एक एक एलिमेंट पहले जाएगा 1 एक्स में, प्रिंट हो गया, फिर सेकेंड बार जब लूप चलेगा तो 2 जाएगा एक्स में, प्रिंट हो जाएगा, फिर थर्ड बार जब चलेगा, तीसरी बार जब चलेगा तो 3 जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जब चौथी बार चलेगा तो 4 जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फोर लूप की अगर हेल्प से आपको प्रिंट करना है तो ऐसे कर सकते हो, एंड अगर आपको व्हाइल लूप की हेल्प से अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको लेंथ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, लेंथ। तो मान लीजिए मैं लेंथ को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, le वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो लेंथ स्टोर किया, किसका लेंथ फाइंड आउट करना है, नम का, ठीक है। अब लेंथ हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसमें मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। i इक्वल टू 0 एंड while, अब while का होता है कि हमें यहाँ पर कंडीशन देना होता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, तो i लेस देन le, ठीक है, i लेस देन le, तो le क्या करेगा, i जो है रिपीट होगा, एंड हमें क्या करना होगा, वो लूप कितनी बार चले, तो कितनी बार चले जितना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उतनी बार चलना है। तो ये तो हो गया लूप कंडीशन हो गया। अब प्रिंट हमें करना है, तो प्रिंट में हमें क्या करना होगा, नम नाम के वेरिएबल में, नम नाम का लिस्ट का नाम है, एंड उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या यहाँ पर देना होगा, आई, एंड आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है।
तो हम इसको सेव करते हैं। पहले ऊपर वाले को कमेंट मैं कर देता हूँ, फॉर लूप वाले को, ठीक है। एंड इसको मैं फिर से सेव कर कर इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए फिर से इसको एक्सेस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इस कोड को थोड़ा सा समझिए। पहले तो हमने क्या किया, लेंथ फाइंड आउट कर लिया लिस्ट का। ये हमारा लिस्ट है नम नम का, उसका हमने लेंथ फाइंड आउट किया। लेंथ हमने रख दिया एल ई नम के वेरिएबल। वाइल लूप का आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन देना होता है, पहले एक इनिशियलाइजेशन करना होता है, एंड हमें ये बताना है कि ये वाइल लूप वाला लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चले, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी बार चले। क्योंकि पहली बार चलेगा तो पहला एलिमेंट निकालेगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरा, तीसरी बार चलेगा तो तीसरा। अब प्रिंट करना है, प्रिंट में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स को एक एक को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे एलिमेंट का लिस्ट का नाम, स्क्वायर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम दे देंगे इंडेक्स। एंड इंडेक्स मेरा कहाँ से आएगा, आई की वैल्यू से। आई का वैल्यू पहले 0 है, यहाँ पर नम 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, लूप को एक इंक्रीमेंट किया, आई का वैल्यू इंक्रीज किया, 0 से 1 किया। तो दोबारा जब चलेगा यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा, 1 लेस देन एली, एली क्या है लेंथ, लेंथ कितना है 10, तो 1 लेस देन 10। फिर ये चलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू 1 है तो अब क्या आएगा, नम 2 सॉरी नम 1। तो नम 1 की वजह से क्या हो जाएगा, नम में जो 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगा, 1 इंडेक्स पर क्या है 2। सो ऐसे ये रिपीट होते रहेगा लूप, एंड इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आपको इंडेक्स भी अगर प्रिंट करना है तो सिंपली इंडेक्स आपको किस में आ रहा है, आई में, ठीक है। आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, एंड अगर मैं इसको सेव करूँ एंड यहाँ पर मैं अगर रन करूँ तो देखिए 0 पहले इंडेक्स आएगा फिर एलिमेंट आएगा। 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4 है, 4 इंडेक्स पे 5 है। तो आप यहाँ पर से इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हो वाइल में। एंड अगर फोर लूप में अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करना है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड फोर लूप को मैं अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करना है तो फोर लूप में आपको क्या यूज करना होगा, रेंज यूज करना होगा 4। 4 के बाद आपको लिखना होगा कोई भी एक्स दे दो, एक्स इन रेंज। अब रेंज भी किसका, रेंज मतलब रेंज क्या करता है, वो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा तो कितना नंबर जनरेट करना है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेन फंक्शन के हेल्प से। हम यहाँ पर यूज करेंगे लेन, एंड लेन में पास कर देंगे नम, समझ में आया। रेंज हम यहाँ पर यूज करेंगे तो रेंज क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा। तो कितना नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट करके देना है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे पता चलेगा, लेन की हेल्प से। तो हम मैंने लिखा लेन नम, तो ये लेन नम क्या करेगा, इतना दूर का कोड हमें लेंथ निकाल कर दे देगा 10। तो ये क्या करेगा, रेंज फंक्शन 0 to 9 तक नंबर जनरेट करके दे देगा। अब 0 to 9 जनरेट करके मिल चुका है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो नम लिखें, एंड हमारा जो नम रेंज क्या करेगा, 0 to 9 नंबर जनरेट कर देगा, एंड वो नंबर किस में आते रहेगा, एक्स में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स, ठीक है। एंड सिंपली अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। एंड अगर हमें उसके इंडेक्स को भी अगर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सिंपली इंडेक्स आपका किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखिए 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2, वैसे ही करते 9 इंडेक्स पे 10। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में इतना तो समझ में आ गया वो कैसे इसको एक्सेस करते हैं। मैं एक बार और बताता हूँ, देखिए सिंपल है। अगर आप फोर लूप के हेल्प से अगर एक्सेस करना चाहते हो तो लिखोगे 4, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, फिर लिखोगे इन, इन के बाद लिस्ट का अपना नाम लिखोगे, फिर कॉलन लगाओगे, फिर प्रिंट ये वेरिएबल का नाम लिख दोगे। होगा क्या कि ये इस लिस्ट में जितने वैल्यू होंगे ये लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एक एक एलिमेंट इस नम में से, एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट करके इस वेरिएबल में आते रहेंगे। एंड उसके बाद इस 4 की बॉडी में तुम उसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर लो उसके एक एक वैल्यू को, इंक्रीज करना है एक एक से, या जो ऑपरेशन तुमको परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर ले रहे हैं इस एलिमेंट में, इस वेरिएबल में, एंड वो वेरिएबल को हम इस 4 की बॉडी में एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक एलिमेंट के साथ आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। दूसरा आपका मेथड क्या, वाइल की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो। तो वाइल लूप में आपको पता है पहले एक इनिशियलाइजेशन देना होता है, यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देना होता है, एंड यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना होता है। तो कंडीशन में हमें लिखना है कि वाइल लूप को लूप कितनी बार चले, वाइल लूप कितनी बार चले, कितनी बार चले, जितनी बार, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी बार चले, क्योंकि एक एक
एक बार चलेगा एक एलिमेंट फेच करेगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरा एलिमेंट फेच करेगा। तो जितना बार चलने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना, नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए हमें लेन फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, या तो आप यहीं पर लिख दो, जैसे ये वाला जो हमने किया है, जैसे मैं इसको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको एंड ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ये एली ना लिख कर आप यहीं पर लिख दो लेन, ठीक है, एंड लेन में दे दो नम, ठीक है। अभी ऊपर हमने क्या किया था कि लेन को पहले एक वेरिएबल में स्टोर किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि लेंथ निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखा है, एंड इसमें क्या किया, डायरेक्ट उसी यहीं पर लेंथ ही फाइंड कर लिया, मतलब उसको अलग से एक वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, तब भी वही काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन kc30.py, देखिए वही आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 0 से ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंडेक्स में यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोर लूप की हेल्प से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वाइल लूप की हेल्प से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर फोर लूप में हमें इंडेक्स भी चाहिए, मतलब इंडेक्स भी लिखना है कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, तो उसके लिए हम रेंज यूज करते हैं कि रेंज क्या करेगा, 0 से जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वहां तक के सीक्वेंस जनरेट कर देगा, 0 1 2 3 जनरेट कर देता है, एंड उसी सीक्वेंस पे उस क्योंकि इंडेक्स वही होगा जो ये सीक्वेंस जनरेट करेगा, इसकी वजह से हम यहाँ पर रेंज यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको एक्सेस करते हैं, कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।